नमस्कार दोस्तों, मेरे नई YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं विरल सोनी, मेरी YouTube चैनल उन्नति एक्वेरियम में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे आज आपको एक्वेरियम के बारे में सभी जानकारी देने आया हूँ। एक्वेरियम के बारे में, एक्वेरियम से रिलेटेड सभी जानकारी मैं मेरे नए नए वीडियो में आपको देता रहूँगा। मेरी चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा। तो आपको नई नई वीडियोस, नए नए मेरे एक्वेरियम रखने के तरीके, फिशिस कौन कौन सी नई नई जात की, सभी मैं आपको ये मेरी यूट्यूब चैनल पे बताता रहूँगा। अभी बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। एक्वेरियम सुख शांति समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है। एक्वेरियम को कभी भी आप किचन में नहीं रख सकते, उसको मेन हॉल में और स्टडी रूम में ये सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। एक्वेरियम सुख संपत्ति धन और शांति का प्रतीक है, उसे शांति का प्रतीक माना गया है। इससे घर में कलह कंकास नहीं होते, गई संपत्ति भी वापस आ जाती है ऐसा माना जाता है। कि वास्तु के हिसाब से अगर आपने अच्छी जगह पे एक्वेरियम रखा है तो आपकी गई संपत्ति भी वापस आ जाती है। मछली को सुबह शाम अपने हाथ से दाना खिलाना बहुत शुभ माना गया है और एक्वेरियम को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। इसको मेन हॉल में कहीं भी रखे, उत्तर पूर्व का जो कोना है वो एक्वेरियम के लिए सबसे फायदेमंद माना गया है। उत्तर पूर्व के कोने में अगर आप एक्वेरियम रखते हैं तो सबसे बेस्ट है। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में धन संपदा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में एक्वेरियम को रखना बहुत शुभ है। मछली को सफलता और व्यवसाय का प्रतीक भी माना गया है। व्यवसाय क्षेत्र में अगर आप रखते हैं तो व्यवसाय क्षेत्र में भी एक्वेरियम को शुभ माना गया है। ये नेगेटिव एनर्जी को अप्रोच करता है, नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। ये पांच तत्वों का मिश्रण है। एक्वेरियम जो है वो जल तत्व है और पाँच तत्वों का मिश्रण है। ये अपने घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और एक्वेरियम में बहुत सारी फिशिस, अलग अलग ट्रॉपिकल फिशिस, जो फ्रेश वाटर फिशिस आती है, बहुत सारी फिशिस आती है जिसके बारे में मैं मेरे अगले वीडियो में आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। कौन कौन सी फिश किसके साथ रहती है, उसको क्या टेम्परेचर में रखना पड़ता है, क्या खाना खिलाना पड़ता है, कितना खाना खिलाना पड़ता है, कैसे अपन एक्वेरियम की सफाई करेंगे, कैसे उसको साफ रखेंगे, क्या खाना देंगे, क्या खाना नहीं देंगे, कितना खाना देंगे, कितना खाना नहीं देंगे, ये सभी जानकारी मैं मेरी YouTube चैनल उन्नति एक्वेरियम में विरल सोनी आपको देता रहूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।